डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम दो मोशन को कंपेयर करेंगे। हमने ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में पूरा पढ़ लिया और रोटेशनल मोशन के बारे में भी पूरा पढ़ लिया, देख लिया, दोनों हमने पूरी तरह से समझ लिया है। तो अब इन दोनों को हम जरा कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों के इक्वेशंस, दोनों के लॉज ऑफ मोशन लगभग लगभग एक जैसे हैं। तो हम दोनों को जरा कंपेयर करके देखें कि ट्रांसलेशनल मोशन में जिस क्वांटिटी का जो रोल है, रोटेशनल मोशन में किस क्वांटिटी का वही रोल है। दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और यदि अपने हमने ये कंपेरिजन कर ली, तो ट्रांसलेशनल मोशन के इक्वेशन से हम रोटेशनल मोशन के इक्वेशन बना लेंगे और रोटेशनल मोशन के इक्वेशन से हम ट्रांसलेशनल मोशन के इक्वेशन हम बना लेंगे, फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन में जो आने वाली क्वांटिटीज हैं वो है मास, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम एंड फोर्स। ये छह क्वांटिटी आपके ट्रांसलेशनल मोशन में रोल प्ले करते हैं। इन्हीं छह की जगह रोटेशनल मोशन में कौन कौन से क्वांटिटी रोल प्ले करते हैं, उनके एनालॉगस क्वांटिटी कौन कौन से हैं, इसकी मैं पहले लिस्ट बना दूं। तो व्हेन वी मेक फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन देन इक्वेशंस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन कन्वर्ट्स into the equations of rotational motion. तो कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन आपको करने हैं, तो देखो इधर मैं लिखता हूं ट्रांसलेशनल मोशन और इधर रखता हूं रोटेशनल मोशन, ठीक। तो पहली क्वांटिटी है मास, जनरली गिवन बाय एम, तो उसकी जगह यहां पर आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसे दिखाते हैं आप, आई से। तो जहां जहां एम आता है वहां पर आई लिखिए, रिप्लेस कीजिए, ठीक है। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, हमने सारे क्वेश्चन में इसको एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उसकी जगह आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थर्ड है वेलोसिटी, आता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी जहां जहां वेलोसिटी आपको मिल रहा है वहां पर आपको ओमेगा से इसको रिप्लेस करना है। हाँ, अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है यू, तो उसकी जगह आपको ओमेगा जीरो, फाइनल वेलोसिटी वी, तो उसकी जगह आप ओमेगा, या वी वन वी टू वी थ्री अलग अलग वेलोसिटीज हैं तो हाँ ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा, यानी कि वी की जगह आपको ओमेगा रखना है। तो फोर्थ एक्सीलरेशन, यानी कि ए, तो उसकी जगह यहां पर लिखना है एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी कि अल्फा। जहां जहां भी ए होगा उसकी जगह आपको अल्फा लिखना है, ठीक है, अल्फा लिखना है। पांचवा है मोमेंटम, मोमेंटम
जिसको हम जनरली पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ जाएगा एंगुलर मोमेंटम जिसको हम जे या एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और छठवां है फोर्स एफ। ये जो रोल प्ले यहाँ पर करता है बिल्कुल वही रोल यहाँ पर टॉर्क करता है, यानी एफ को आपको रिप्लेस करना है टाउ से। ये छह यदि आपने सब्स्टिट्यूशन कर लिए इन इक्वेशंस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, देन यू हैव द इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक। आपको अपने रोटेशनल मोशन के इक्वेशन मिल जाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये छह सब्स्टिट्यूशन याद रखिएगा, मास, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड फोर्स की जगह वहाँ पर जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई, द मोमेंट ऑफ इनर्सिया, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगुलर वेलोसिटी, द एंगुलर एक्सेलरेशन, द एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, फोर्स की जगह टॉर्क रखना है। तो ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन हम इधर रख रहे हैं और उसके एनालॉगस रोटेशनल मोशन के इक्वेशन हम इस तरफ लिखते चलते हैं। तो जैसे पहला है v इक्वल टू ds by dt, द वेलोसिटी इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ v की जगह ओमेगा, s की जगह थीटा, ठीक। इसके समान वहाँ इक्वेशन आपको बन जाएगा, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी या डी स्क्वायर से एस बाई डी टी स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा a की जगह अल्फा, v की जगह ओमेगा या s की जगह थीटा, ठीक है। एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमने कहा था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, ये हमने पिछले वीडियो में प्रूफ किया हुआ है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ ए की जगह अल्फा टी स्क्वायर। हमने यहाँ पर कहा कि थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। हमने कहा डिस्प्लेसमेंट इन टी एस सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टी एस सेकेंड इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस हाफ अल्फा टू टी माइनस वन। यानी एक यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन आप याद कीजिए, आप उसके समान रोटेशनल मोशन में एक इक्वेशन बना सकते हो भाई all the substitution। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कहाँ था कुछ पता, छः सातवां, द मोमेंटम पी इज गिवन बाई एम वी, क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम जे इज गिवन बाई आई ओमेगा, जे इज इक्वल टू आई ओमेगा, पी की जगह जे, एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा। हमने कहा फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यहाँ हो जाएगा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू डी जे बाई डी टी, ठीक है। हमने और कहा इसको सॉल्व करने में मिलता है एफ इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ मिलेगा टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक। हमने कहा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू टाउ इन टू थीटा, एफ की जगह टाउ, एस की जगह थीटा। हमने कहा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर,
इन अ ट्रांसलेशनल मोशन. तो रोटेशनल मोशन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी इट विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मतलब ये कि यहाँ कोई भी एक इक्वेशन आप याद कीजिए उसके समान यहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिलना ही है और वो 6 सब्स्टिट्यूशन आपको करना है. तो एक बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, और यदि कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी. लेकिन यदि बॉडी के पास दोनों तरह का मोशन है, ट्रांसलेशनल भी है रोटेशनल भी है, जैसे आपने मैदान में गेंद लुढ़का दी तो गेंद जो है वो लुढ़कते हुए जा रहा है, यानी रोटेशनल मोशन भी चल रहा है और फॉरवर्ड भी हो रहा है माने ट्रांसलेशनल मोशन भी चल रहा है. तो ऐसे बॉडी के पास दोनों तरह के मोशन की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. इसको हम कहते हैं रोलिंग बॉडी. ठीक, रोलिंग बॉडी. तो रोलिंग बॉडी के पास ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी, दोनों एनर्जी है. तो कितनी एनर्जी हो जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी कि एक बॉडी रोल कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ई टोटल बराबर होगा ई फॉर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस ई फॉर रोटेशनल मोशन. दोनों काइनेटिक एनर्जी का सम उसकी टोटल एनर्जी होगी. तो कितना हुआ? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आपको ऐसे लग रहा है कि ये एनर्जी निकालनी है तो हमको 1, 2, 3, 4 क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप किसी दो को किसी दो में कन्वर्ट कर सकते हो. यू कैन कन्वर्ट एनी टू इनटू द अदर टू, और इस तरह से आपको केवल दो क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी. तो कैसे देखें? सिंस आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एम के स्क्वायर से दी जाती है. के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, और वी जो है वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी बराबर होता है ओमेगा आर. इन दो रिलेशन का यूज करो तो कोई भी दो जो है वो कोई दूसरे दो में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह मैंने रख दिया एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह रख दिया वी बाई आर का स्क्वायर. तो देखो क्या गया, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. और ये जो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरह के बॉडी के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी. रिंग लुढ़क रहा है उसके लिए हो जाएगा 1, सर्कुलर डिस्क लुढ़क रहा है तो उसके लिए हो जाता है हाफ, सॉलिड सिलेंडर लुढ़क रहा है तो उसके लिए हो जाएगा हाफ, हॉलो सिलेंडर है तो उसके लिए हो जाएगा 1, हॉलो स्फीयर है तो हो जाएगा 2/3, सॉलिड स्फीयर है तो हो जाता है 2/5. ये कुल मिला के 6 ही लुढ़कने वाले बॉडी हैं, इनके लिए आपको ये याद रखना है. तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फॉर रिंग इज इक्वल टू 1. इसको ऐसा लिस्ट बना दो, ये पूरी वैल्यूज आपको याद रखना है. तो k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फॉर रिंग इज इक्वल टू 1, डिस्क इज इक्वल टू हाफ, हॉलो हॉलो सिलेंडर के लिए होता है 1, सॉलिड सिलेंडर के लिए हाफ, हॉलो स्फीयर के लिए होता है 2/3, एंड सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5. ये वैल्यू आपको याद रखने हैं, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स
फॉर द शेप, रिंग छोटा हो बड़ा हो, हल्का हो भारी हो, यदि वो रिंग है तो उसके लिए वन होगा, डिस्क उसके लिए हाफ होगा। शेप पर नहीं, साइज पर नहीं, मास पर नहीं, वेट पर नहीं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये केवल हो केवल कि बॉडी किस शेप का है उसी पे डिपेंड करता है। तो रिंग के शेप का है तो वन, डिस्क के शेप का है तो ये सब, तो ये सारे वैल्यू याद कर लीजिए बस। अब आपको प्रॉब्लम में दिया स्फीयर का मास यानी कि बॉल का मास, बॉल की वेलोसिटी, बॉल में से हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर तो इतना आ गया 2/3, आपको इतना लग मिलेगा। अब इसी को मैं जैसे आई ओमेगा को एम वी में कन्वर्ट किया, अब एम वी को आई ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला, तो चलिए हाफ क्या चलिए थे, आई इजिकल टू एम के स्क्वायर और ओमेगा, सॉरी वी इजिकल टू ओमेगा। तो मैं एम की जगह आई अपॉन के स्क्वायर रख सकता हूँ, एम की जगह मैंने आई अपॉन के और वी की जगह ओमेगा का स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है ना। एम वी को चेंज कर दिया, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको। अब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिखा है, तो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर क्या हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा। 1/2 है तो 2, 2/3 है तो 3/2, 2/5 है तो 5/2, सब उल्टा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम एक रोलिंग बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, केवल रोल चल रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ से मिलेगा, इतनी एनर्जी आपको दिखना पड़ेगा। केवल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, केवल हाफ एम वी स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, आपको या तो एनर्जी इस पहले इक्वेशन से निकलेगा या फिर इस दूसरे इक्वेशन से निकलेगा। अब क्वेश्चन में एम वी दिया है तो ये लगाओ, क्वेश्चन में आई ओमेगा दिया है तो ये लगाएं, ठीक है ना। या कहें कि वेलोसिटी दिया है तो ये, और एंगुलर वेलोसिटी दिया है तो ये इक्वेशन आपको अप्लाई करना होगा। अब देखो जो नीट का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, वहाँ पर ये तीन रेशियो में से कोई एक आध पूछा जाता है कभी कभी, क्या क्या, ठीक है। तो पहला रेशियो है E फॉर ट्रांसलेशनल मोशन अपॉन E टोटल, कि टोटल एनर्जी में से कितना पार्ट ट्रांसलेशनल एनर्जी के फॉर्म में है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, और टोटल अभी हम लोगों ने निकाला था तो हो गया हाफ एम वी स्क्वायर बाई हाफ एम वी स्क्वायर 1+ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 1/1+ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एंड इट इज ऑलवेज ए कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन बॉडी, चाहे बॉडी स्लोली चले चाहे बॉडी स्पीडली चले, ये कांस्टेंट कभी चेंज नहीं हो, सॉरी ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी इतना पार्ट जो है ट्रांसलेशन मोशन का है, टोटल एनर्जी का इतना पार्ट ट्रांसलेशन एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। ऐसे ही दूसरा ई रोटेशनल बाई ई टोटल निकाल सकते हैं, तो क्या मिलेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और टोटल कहें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 1+ आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये कैंसिल, तो क्या मिला 1/1+ आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, इतनी वैल्यू का होगा, ठीक। और तीसरी रेशियो ई रोटेशनल अपॉन ई ट्रांसलेशनल, इन दोनों मोशन की जो एनर्जी है एक बॉडी के पास उसमें क्या रेशियो होगा, तो ही रोटेशनल हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर। अब किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, हाफ तो कैंसिल हो गया, आई की जगह एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह वी बाई आर का स्क्वायर,
अपॉन एम वी स्क्वायर। तो देखो m कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग आ गया, क्या है ये, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी। यदि रिंग रोल कर रहा है तो k स्क्वायर बाई स्क्वायर का वैल्यू 1 है, 1 का मतलब है दोनों इक्वल हैं, और इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी का आधा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और आधा ट्रांसलेशनल। यदि डिस्क रोल कर रहा है तो ये 1/2 है, इसका मतलब कि टोटल एनर्जी का 1 पार्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है और 2 पार्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। यानी टोटल एनर्जी के 3 हिस्से करें तो 1 हिस्सा रोटेशनल को जाएगा, 2 हिस्सा ट्रांसलेशनल को जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये k स्क्वायर बाय स्क्वायर क्या है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी। इफ एनी ऑफ दिस बॉडी मेक्स रोलिंग ऑन सरफेस देन द रेशियो बिटवीन देयर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय दीज रेशियोज। तो देखो सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5, इसका मतलब कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी केवल 2 पार्ट और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 5 पार्ट में हो गए, यानी इसके डबल से भी ज़्यादा, 2 टाइम से भी ज़्यादा मिलेगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसका एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, किसी ने कहा कि आपने के स्क्वायर बाय स्क्वायर तो लिख लिया, ठीक है क्या चीज़ ये, किस चिड़िया का नाम है, तो आप कहेंगे कि कुछ नहीं भाई, इट इज द रेशियो बिटवीन रोटेशनल एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट रोल्स ऑन ए सरफेस। तो किसी सरफेस पर वो रोल कर रहा है, लुढ़क रहा है, तब उसका कितना पार्ट, उसके एनर्जी का कितना पार्ट रोटेशनल के फॉर्म में है और कितना ट्रांसलेशनल मोशन के फॉर्म के लिए है, वो रेशियो ये हमको देता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये सारे इक्वेशंस का यूज आप रोटेशनल मोशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में करते हो, और इसलिए सब के सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन बहुत आसान भी हैं। ये तो आपको लगा ही होगा कि दीज आर द टू इजी, बहुत आसान है। हाँ, ये 6 हमको मालूम हो गए कि इसकी जगह ये रखना है, इसकी जगह ये रखना है, हम रख लेंगे, निकाल लेंगे, यस बिल्कुल आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और फिर भी यदि कहीं कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके डाउट रिमूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, इसके एप्लीकेशंस वगैरह जो हैं वो मैंने जो नीट और जेई के स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ आप देख लीजिएगा, आपको सारे एप्लीकेशन, सारे फार्मूले के एप्लीकेशन वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।